पता नहीं तुसी मेरी गल ना कित्थों तक सहमत होवो, तो मैं तो अकाल तख्त साहब से भी ये बेनती करनी चाहुंदा सी कि मैनू नहीं ठीक लग्या जिहड़ा फैसला दिता गया ना भी कबरां ते गुरु साहब का प्रकाश नहीं हो सकता। इहदा नुकसान होया सानू, समझे हो क्यों? पहला तर्क तो यह खड़ा हो गया भी की गुरु ग्रंथ साहब एडा कमजोर है जिन्हों कबर जित लवेगी भी प्रकाश चुक दे उतों। एक कबर से प्रकाश होए क्यों ने? देखो पुराने समय में हिंदू सिख मुसलमान जिन्हें भी महापुरुष से कठे रब के गुण गाते सन। हुण जे हिंदू जां कोई सिख महापुरुष चलाना करता सी उत्थे देहरा बन जाना, चार टारा के देहरा जिहा बना देना, मुसलमान ने पूरे होना तो उहदी कबर बन जानी, हुंदे सारे ही फकीर सी। जिवें जिवें सिखी प्रफुल्लत होई असीं गुरधाम बनाउण लगे तो उह कबरां दे नाल फिर कमरे बना के असीं महाराज दा प्रकाश करता जो साडे सिख महापुरशां दे स्थान सन। हुण आपू बने पंथ दे जथेदारा ने जिहड़े आंदे सिखी साडे मोढ़िआं ते उहनां रौला पालिआ, ना जी ना कबरां ते प्रकाश चुकदे, उत्थे बेदबी हुंदी है। बेदबी की हुंदी? अखे दी दीवा जगदा कबर ते। जे मन लो कोई दीवा जगा के आउंदा सी, गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश होण दे कारण उस कबर ते हर साल सलाना गुरमत समागम हुंदा सी। तो जदों समागम होना तो उत्थे सेध देनी प्रचारकां ने भी देखो कबर जे महापुरश दी भी है तो इहदा अदब है, इहदी निशानी है। पर सिख कबर नूं नहीं मानदा, अकाल पुरख नूं करते नूं मानदा, कृत नूं नहीं मानदा। असीं तो समझाउणा सी भी शब्द ना जोड़िए लोकां नूं, ते असीं चोके पता नहीं की दबा पिया, अखेरी कबरां ते प्रकाश चुक लो महाराज दे, बेदबी हो रही है। जे कबर वाला तगड़ा हो गया तुहाडे गुरु नूं भजाता उहने। हुण मन लो मैं अंदाजन कह रहा, यह कोई सेंसस मेरा श्योर नहीं है, जे 700-800 कबर भी होवे वड्डी पंजाब च, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे तुसीं इत्थों प्रकाश चुके तो किन्ने गुरमत समागम घट गए? 700-800 समागम साल का घट गया ना। तो जे हर समागम से 10-20-50 शरीर अमृत छकते सी तो किन्ना घाटा पिया सिक्खी नूं, कदे सोचा तुसीं? उहदे बाद की होया? जदों तुसीं महाराज के प्रकाश चुक लए तो उन्हां कबरां ते गाउण वालियां लगन लगियां, खाड़े लगन लगे, नशियां दा बोलबाला होया, तुहाडे बथेरा इधर नकोदर वल। जिन्हां भी कबरां ने यह जगह किन्ने खाली की है, ये असी आप गलती की है। तो कई बड़ी मुश्किल आती है कि कह रहे हो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो संगत जी, अज श्री दरबार साहब सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे अकाल तख्त विखे पहुंचे हैं, जिते कि पिछले दिन एक कथावाचक वालों बंता सिंह कथावाचक जिसने थोड़े दिन पहला एक वीडियो वायरल की आ, जिस श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे सीधा चैलेंज किया, जिस कथावाचक वो कह रहा कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के सरूप मड़िया तो जठेरिया लैके जाने चाहिए आ मेरे वालों, भी जोड़ा हुक्मनामा अकाल तख्त साहब तो जारी होया आ ये बिल्कुल हुक्मनामा जिहड़ा वह गलत जारी होया आ। देखो अपने आप में सियाणा बनिया फिरदा बंता सिंह अकाल तख्त साहब नूं सियाणा इह बंदा, ते जिहड़ी इन्नी देर तो जिहड़ी श्रोमणी कमेटी वालों और सारिया जथेबंदियों वालों काफ़ी समा पहला जो एक मर्यादा तैयार की सी, जिन्हां विचों समय समय विचों श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे जारी हुंदे रहे भी गुरु साहब के सरूप मड़िया जखेरिया मट्टा के जगरात्रियों से कि होर कि मनमती स्थाना से गुरु साहब के सरूप जो नहीं लैके जाने, तो वीडियो में कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब के सरूप मड़िया से लैके जाने चाहिए आ। सो अज
असी जथेदार जिला अकाल तख्त साहब उन्होंने एक मंग पत्र दिता आ जिस लिखा कि आपू अकाल तख्त साहब तो तनखाइया करार दिता जाए। देखो जो बंता सिंह उन्होंने जी बादल ना बहुत सांझ आ दंदमी टकसाल जोड़ा घूमा वो बड़ी सांझ आ सू भी हैगा भी जोड़ा जथेदार ने फैसला नहीं लैना पर जे जथेदार वाकई जथेदार अकाल तख्त साहब का हरप्रीत सिंह किसी पार्टी या किसी की गल नहीं सुनता तो उन्होंने ये चाहिए आ कि बंता सिंह अकाल तख्त साहब तो तनखाइया करार दिता जाए ता जो आते समय तो कोई भी जोड़ा स्टेज चो गल्ला बकरियां बकरियां कर देंगे आ जोड़े अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामे जारी होए आगत मन दियाँ आ और मन दियाँ रहन गियाँ ये जोड़े अकाल तख्त साहब जो हुक्मनामे जारी होए आ कि एक बंद ने नहीं किए ये पूरे पंथ वालों जारी होए आ अकाल तख्त साहब से गुरु हरगोबिंद साहब के स्थान तो जारी होए आ तो इनू सानू मनन की लोड़ आ जरूर तो इदा के जोड़े अपनिया वीडियो पाने फेमस होने जो वीडियो पा देंगे अकाल तख्त साहब के तू बना कर देंगे तो साड़ी ये बेनती है हुण अकाल तख्त साहब आए हैं ये साड़ी बेनती आ कि देखते हैं कि जोड़े छोटे मोटे बंद अकाल तख्त साहब के थले वो छेती तनखाइए करार दे देंगे पर हुण असी देखते हैं कि जथेदार जे हैगा अकाल तख्त साहब का जो जथेदार हैगा आ तो अज देखांगे कि ये बंता सिंह नूं भी तनखाइया करार दूगा तो जे नहीं दूगा फिर वाकई ही आप समझते पहला भी सानू पता आ दुनिया तो कोई लुकोई गल नहीं कि बादलों के जथेदार पर हुण जो फैसला जो आना जथेदार ते आ इन तनखाइया करार बंता सिंह नूं दिता जाए ता जो अगे तो कोई भी इदा की जरूरत ना करे भी अकाल तख्त साहब नूं हुक्मनामे जिहड़े जारी होए आ उहनूं भंडण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है संतान नूं कि आम लोग जिहड़े कथा वाचक जिहड़े वड्डे वड्डे स्टेज पर कथा करते हैं इन्हां नूं बेनती आ भी इन्हां नूं तनखाइया करा दिता आम बंदियां नूं तो अकाल तख्त साहब के मिनट च तनखाइया दे दिंदे भी इन्हें इंज किया इन्होंने एड्डी वड्डी ढाल लाई बाबा बंता सिंह ने श्री अकाल तख्त के हुक्मनामे भी मड़ियां मसाना से अखंड पाठ साहब होने चाहिए आकाल साहब जहरदार अपील आ भी इस तकड़ी कार्रवाई कदे गांह तो कोई भी यहोजा कथा वाचक भी बयान ना दे सके अकाल तख्त के ये हुक्मनामे इन क बेनती कोई इसमें गुमराह ना कर सके अकाल तख्त की मर्यादा उन्होंने बहाल कर सके इन इन बेनती वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। तो गुरु प्यारी साध संगत जी तो ये हैगा जी हुक्मना अपना मंग पत्र जो जहेदार साहब दिता हरप्रीत सिंह इहदा मसला ये आ साध संगत जी कि जिदा बाबा बंता सिंह होर ने मतलब ये कहा वा क्योंकि वह सत्कारयोग आ पंथ के बहुत व्डे प्रचारक आ पर उन्होंने सोचना चाहिए वा कि इदा दिया गल नहीं कर चाहिए क्योंकि उन्होंने जी आवाज़ आ बहुत दूर तक जाती है वो एक गल करते तो वो गल बड़ी बड़ी दूर जाती है उन्होंने कहा वा भी जिदा हूँ अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामे जारी हो भी बड़िया मसाणिया से ज होर जठेर के भी गुरु ग्रंथ साहब ज महाराज जोड़ा वा नहीं लैके जाना तो वह हुक्मनामे हम नहीं मानते वह कहें भी जाना चाहिए वा तो यदा मतलब ये हो गया भी बाबा बंता सिंह अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे नहीं मानता तो अकाल साहब तो व्डा हो गया पर नहीं ये बिल्कुल गलत गल आ उन्होंने इदा नहीं कहना चाहिए सगा तो असी बेनती की आ जहेदार साहब अगे मंग पत्र दिता वा भी जिमें दूजे लोगों तनखाइया करार लाने तो उस तरह इन्हों भी पेश किया जाए ताकि संगतों को पता लग सके कि अकाल तख्त साहब तो सारे वास्ते जो फैसला वा वो बराबर का होंगे भी किसी ना धक्का जोड़ा वा नजायज़ या जायज़ नहीं होंगे तो ताकि अकाल तख्त साहब अपने सारे पंथ वास्ते सिरमौर आ अपना सुप्रीम आ अपन इतों आसमें का बस इन बेनती जी। वाहेगुरू जी खालसा वाहेगुरू।